नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी मेडिकल प्रमाण पत्र बना रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी का मेडिकल प्रमाण पत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक दो को WhatsApp पे मेरे क्वेश्चन भी किए हैं, उनका जवाब दे दें। जो कि WhatsApp पे तो दे ही दिए हैं, साथ में और भी वीडियो बना देते हैं, तो जितने भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी उनको कुछ हेल्प मिल जाए। बैट बॉल खेल रहे थे, सोचे खेलते खेलते ही वीडियो बना देते हैं, फिर टाइम मिले या ना मिले। देखिए, आप लोग अब चयनित हो गए हैं, अब आप लोग का सिलेक्शन भी हो गया है और साथ में ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया है। अब विद्यालय में योगदान के लिए सबसे पहले आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए और भी डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट पे हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम मेडिकल पे बात कर रहे हैं, तो मेडिकल प्रमाण पत्र आपको चाहिए। और जो कि जैसा आपको पता है कि मेडिकल प्रमाण पत्र के लिए लगभग हर एक सदर में कम से कम 1000 कैंडिडेट आज के डेट में पहुंच रहे हैं। कल हो सके और भी संख्या इसकी बढ़ सकती है। जैसा कि हमने YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइन में डाला था, देखे थे कितना भीड़ सदर में बढ़ रहा। आपको मेडिकल वहीं बनेगा मुख्यालय जिला में, यानी कि जो जिला का जो मुख्यालय सदर होता है, सदर हॉस्पिटल होता है, उसमें आपको बनेगा, वो भी सरकारी से। उसमें जाइएगा, आपको कुछ नहीं लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है और आपका 10th का जो मार्कशीट है वो लेके जाना है। जो हमें वहाँ के कैंडिडेट से बात हुआ है, उनसे हम बात करके आपको बता रहे हैं। और वहाँ पे देखिए क्या क्या आपको टेस्ट लिखेगा, यही क्वेश्चन आया था कि सर हमारा जो जांच होगा वो सरकारी से होगा कि प्राइवेट से होगा। देखिए, अगर आप प्राइवेट से जांच करते हैं तो आपका मान्य नहीं होगा, वहाँ के डॉक्टर आपको जांच लिखेंगे, तब आपको उसी हॉस्पिटल में यानी कि सरकारी सदर में ही आपको जांच करवाना होगा और एक पैसा भी नहीं लगेगा, सारा का सारा फ्री में होगा। तो हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन सा जांच आपको होगा। आई जांच होगा, आँख का जो आपकी दूरी होती है कितना बाई कितना है वो होगा। नोज का जांच होगा यानी कि नाक का जांच होगा। फिर आपका ईयर का, कान का, कि आप कितने सुनते हैं, क्या आपका कान सही है क्या है, वो आपका सही होगा। CBC होगा जांच आपका, HIV जांच होगा, कोविड का जांच होगा कि आप पॉजिटिव हैं कि निगेटिव हैं, लगभग निगेटिव ही रहते हैं तो निगेटिव का जाँच होगा। और आपका BP जाँच होगा, शुगर जाँच होगा, ECG जांच होगा और CBC यूरिन जांच होगा। इतने जांच को आपको लिखा जाएगा, जब इतना जांच आपका हो जाएगा तो आपका प्रमाण पत्र, मेडिकल प्रमाण पत्र बन जाएगा और आपको भेज दिया जाएगा। यानी कि अगर ऐसे तो 1 से 2 दिन में बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन अब भीड़ ज्यादा हो रही है, भीड़ की संख्या ज्यादा हो रही है। हर एक सेंटर पे आप देख सकते हैं 1000, 2000, 1500 कैंडिडेट वहां पे पहुंच रहे हैं, तो आपको शायद 4 से 5 या 6 दिन का भी समय लग सकता है। तो अभी हम सलाह आपको देंगे कि अभी कम से कम आप 1 से 2 दिन नहीं जाइए, मंडे से आप जाइए मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने, तो आपके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि अगर आप अभी जाते हैं तो आपको भीड़ का सामना करना पड़ेगा और आपको वहाँ पे लाइन में भी लगना पड़ेगा, खाली हाथ लौट के भी आना पड़ेगा। तो आप मंडे को जाइए, वहाँ पे मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने आपको वहाँ पे बन जाएगा। ये अपडेट हमने दिया दोस्तों। अगर मेडिकल से और भी संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई देंगे। अगर रिप्लाई नहीं दिए तो उस पर वीडियो बना के हम जरूर देंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।